गिनती आठवां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून से कह, जब तू चिरागों को रोशन करे तो सातों चिरागों की रोशनी शमादान के सामने हो। चुनाचे हारून ने ऐसा ही किया। उसने चिरागों को इस तरह जलाया कि शमादान के सामने रोशनी पड़े, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और शमादान की बनावट ऐसी थी कि वो पाया से लेकर फूलों तक घड़े हुए सोने का बना हुआ था। जो नमूना खुदावंद ने मूसा को दिखाया उसी के मुआफिक उसने शमादान को बनाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लावियों को बनी इसराइल से अलग करके उनको पाक कर, और उनको पाक करने के लिए उनके साथ ये करना कि खता का पानी लेकर उन पर छिड़कना, फिर वो अपने सारे जिस्म पर उस्तरा फिरवाएं और अपने कपड़े धोएं और अपने को साफ करें। तब वो एक बछड़ा और उसके साथ की नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा लें, और तू खता की कुर्बानी के लिए एक दूसरा बछड़ा भी लेना, और तू लावियों को खैमाए इज्तमा के आगे हाजिर करना और बनी इसराइल की सारी जमायत को जमा करना, फिर लावियों को खुदावंद के आगे लाना। तब बनी इसराइल अपने अपने हाथ लावियों पर रखें, और हारून लावियों को बनी इसराइल की तरफ से हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजराने, ताकि वो खुदावंद की खिदमत करने पर रहें। फिर लावी अपने अपने हाथ बछड़ों के सिरों पर रखें, और तू एक को खता की कुर्बानी और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजरानना, ताकि लावियों के वास्ते कफारा दिया जाए। फिर तू लावियों को हारून और उसके बेटों के आगे खड़ा करना, और उनको हलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजरानना। यूं तू लावियों को बनी इसराइल से अलग करना, और लावी मेरे ही ठहरेंगे। इसके बाद खैमाए इज्तमा की खिदमत के लिए अंदर आया करें। सो तू उनको पाक कर और हिलाने की कुर्बानी के लिए उनको गुजरान, इसलिए कि वो सब के सब बनी इसराइल में से मुझे बिल्कुल दे दिए गए हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं को उन सबों के बदले जो इसराइलियों में पहलोठी के बच्चे हैं अपने वास्ते ले लिया है। इसलिए कि बनी इसराइल के सब पहलोठे, क्या इंसान क्या हैवान, मेरे हैं। मैंने जिस दिन मुल्के मिस्र के पहलोठों को मारा उसी दिन उनको अपने लिए मुकद्दस किया, और बनी इसराइल के सब पहलोठों के बदले मैंने लावियों को ले लिया है, और मैंने बनी इसराइल में से लावियों को लेकर उनको हारून और उसके बेटों को अता किया है, ताकि वो खैमाए इज्तमा में बनी इसराइल की जगह खिदमत करें और बनी इसराइल के लिए कफारा दिया करें, ताकि जब बनी इसराइल मकदस के नजदीक आए तो उनमें कोई वबा ना फैले। चुनाचे मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमायत ने लावियों से ऐसा ही किया। जो कुछ खुदावन ने लावियों के बारे में मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही बनी इसराइल ने उनके साथ किया, और लावियों ने अपने आप को गुनाह से पाक करके अपने कपड़े धोए, और हारून ने उनको हलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजराना, और हारून ने उनकी तरफ से कफारा दिया ताकि वो पाक हो जाएं। इसके बाद लावी अपनी खिदमत बजा लाने को
हारून और उसके बेटों के सामने खैमाए इज्तमा में जाने लगे। सो जैसा खुदावन ने लावियों की बाबत मूसा को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही उनके साथ किया। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, लावियों के मुतालिक जो बात है वो ये है कि 25 बरस से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र में वो खैमाए इज्तमा की खिदमत के लिए अंदर हाजिर हुआ करें, और जब 50 बरस के हों तो फिर उस काम के लिए ना आए और ना खिदमत करें, बल्कि खैमाए इज्तमा में अपने भाइयों के साथ निगहबानी के काम में मशगूल हों और कोई खिदमत ना करें। लावियों को जो जो काम सौंपे जाएं उनके मुतालिक तू उनसे ऐसा ही करना।